अक्षय कुमार की बेइज्जती करनी पड़ी केआरके को भारी। वेल आखिरकार फैंस किस तरीके से ट्रोल कर रहे हैं केआरके को, द क्रिटिक रिव्यूअर को, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेल, अगर हम द क्रिटिक रिव्यूअर की बात करें तो मोस्ट पॉपुलर क्रिटिक रिव्यूअर में सबसे पहले सामने आते हैं केआरके। आए दिन केआरके के बॉलीवुड मूवीज़ के जितने भी, अगर थोड़ी भी बॉलीवुड फिल्में जो हैं वो फ्लॉप हो जाती हैं तो उनके रिव्यूज़ जो आते हैं वो बेहद ही ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं, और साथ ही साथ फैंस भी शॉक हो जाते हैं कि कितनी बारीकी से केआरके हर चीज़ों को देखते हैं। आपको बता दूं कि इस बीच सम्राट पृथ्वीराज मूवी हो चुकी है रिलीज़, और केआरके ने इस मूवी के दौरान, यानी कि इस मूवी को देखने गए और उस दौरान पूरे के पूरे हॉल में कोई भी नहीं था, कुछ भी, बिल्कुल साइलेंस थी, और इन चीज़ों को उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया के थ्रू। साथ ही साथ जहां एक ट्वीट किया तो उस ट्वीट को अक्षय कुमार के फैंस ने उल्टा फटकार लगा दिया केआरके को ही। जी हाँ, केआरके ने एक ट्वीट किया पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज को लेकर, अक्षय कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि अक्षय कुमार को ऐसी गंदी फिल्में नहीं करनी चाहिए जिसमें कि अपने भाई की बेटी को ही भगा कर उससे शादी कर ली। वेल, केआरके का कहना है कि भाई की बेटी खुद की बेटी ही हुई, और यहाँ पर कहीं ना कहीं इस फिल्म के थ्रू एक बेटी का रिस्पेक्ट खराब किया जा रहा है। एक बेटी के लिए दुनिया में रिस्पेक्ट को लेकर एक गलत चीज़ें फैलाई जा रही है। वेल, आपको बता दूं कि केआरके के इन वर्ड्स के बाद लगातार सोशल मीडिया पर, यानी कि उनके ही ट्वीट के इस रिप्लाई पर लगातार फैंस जो है केआरके को ही ट्रोल कर रहे हैं और कहते नज़र आ रहे हैं कि हमारे में तो कम से कम एटलीस्ट काफ़ी दूर दराज के लोगों से शादियां होती हैं। हालांकि सम्राट पृथ्वीराज एक मूवी है और उसे बस अज्यूम किया गया है कि सम्राट पृथ्वीराज उस वक्त ऐसा किया करते थे, लेकिन आज की रियलिटी बताएं तो हिंदू में सिर्फ और सिर्फ चीज़ें ये होती हैं कि काफ़ी दूर के रिलेशनशिप्स में ही शादियाँ होती हैं। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम्स की तो मुस्लिम्स में बहन की बेटी, फुआ की बेटी, इन सभी चीज़ों से, इन सभी रिलेशनशिप्स से रिश्ता बनाया जाता है, शादियां तक हो जाती हैं, और इन्हीं चीज़ों को लेकर फैंस केआरके को कर रहे हैं ट्रोल। जी हाँ, केआरके को फैंस कह रहे हैं कि आप में तो बहन की बेटी क्या, फुआ की बेटी और अपनी बेटी से भी लोग शादियां कर लेते हैं, लेकिन कम से कम हमारे में दूर के रिलेशनशिप्स के लोगों की, यानी कि दूर के रिलेशनशिप्स में शादियां होती है। आखिरकार केआरके को लेकर जिस तरीके से स्टेटमेंट सामने आते हैं, फिलहाल केआरके ही इसमें फंसते जाते हैं। आप क्या कुछ कहें, आपका कहना क्या है, आपके रिएक्शंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।